चलिए आपका एक समरी लिखाए थे, ठीक है। समरी क्या था, नाम बताइए तो। अ चाइल्ड इज बॉर्न था, अ चाइल्ड इज बॉर्न, समरी था अ चाइल्ड इज बॉर्न, इसका ऑब्जेक्टिव आया। ये तो समरी पूरा कंप्लीट करवा दिए थे, ठीक है, लिखवा दिए थे। इसका हेडिंग डालिए आज ऑब्जेक्टिव लिखवाएंगे, ऑब्जेक्टिव, ठीक है। चलिए लिखना स्टार्ट करिए। फर्स्ट नंबर डालिए हेडिंग, लिखिए अ डाइस वुमन, इसमें लिखिए नहीं, लिखिए अ डैश वुमन हैज टू ऑब्जर्व, हैज टू ऑब्जर्व वेरियस टेबूज, वी ए आर आई ओ यू एस वेरियस, टी ए बी डबल ओ एस टेबूज, रिचुअल्स एंड कस्टम्स। इसका आंसर आएगा प्रेग्नेंट, ठीक है। सेकेंड है अ चाइल्ड इज बॉर्न, रिटन बाय, अच्छा बताइए अ चाइल्ड इज बॉर्न किसने लिखा है? जर्मन गिर ने, ठीक है, जर्मन गिर, जी ई आर एम ए आई एन जी आर डबल आर, जर्मन गिर, ठीक है। इन बांग्लादेश, इन बी ए एन जी ए एल ए डी ई एस एच, इन बांग्लादेश बी डी इज रिटन, बी डी इज सॉरी एक किंग लिखेगा, एक किंग, बी डी इज अ किंग ऑफ फेयरी, एफ ए आई आर वाई, फेयरी टेल्स, फेयरी टेल्स। इसका आंसर है इसको पढ़िए तो क्या पढ़ते हैं, आर यू पी टी एच ओ के ए, हाँ पढ़िए, इसको रूपोखा पढ़ते हैं, ठीक है, रूपोखा, टी साइलेंट होता है, इसमें रूपोखा पढ़ते हैं, इसमें पी एच ओ, देखिए इसे टी ऐसे, मतलब जब स्पेलिंग लिखते हैं तब टी लिखना है, जब पढ़ना है तो टी छोड़ देना है। देखिए आर यू पी एच ओ के ए, रूपोखा, ठीक है ना, रूपोखा होता है, ठीक है। चलिए फोर नंबर लिखिए, फोर्थ नंबर में डैश विजिटेड एनॉर्मस मॉडर्न हॉस्पिटल फॉर बंटू पेटेंट्स इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका,
इसका आंसर लिखिएगा एस एच ई आई एल ए सैला के आई टी जेड आई एन जी ई आर केंजर। हाँ बोलिए, लाइट आ गया। चलिए पांचवा नंबर लिखिए, फाइव नंबर। इन डैश चिल्ड्रेन, इन डैश चिल्ड्रेन अंडर द एज एज ऑफ फाइव, एज ऑफ फाइव और सिक्स, फाइव और सिक्स आर लुक्ड, आर लुक्ड आफ्टर, लुक्ड आफ्टर बाय द होल फैमिली। होल फैमिली बांग्लादेश बीडी। चलिए लिखिए गार्लेंड्स ऑफ, गार्लेंड्स ऑफ डैस वर गिवन, वर गिवन टू अ न्यू बेबी, टू ए न्यू बेबी। इसका आंसर लिखिएगा टर्मरिक एंड गार्लिक, टर्मरिक एंड गार्लिक। छह क्वेश्चन हो गया है, उतारिए फटाफट इसको, इसके बाद आगे लिखवाएंगे। चलिए लिखिए, छह नंबर तक हो गया, आगे सेवन नंबर लिखिए। लिखिए सिंथेटिक वुमन, सिंथेटिक वुमन एंड हर चाइल्ड, एंड हर चाइल्ड आर गिवन, आर गिवन न्यू ड्रेस, न्यू ड्रेस ऑन द डाइस डे ऑफ, डे ऑफ द बर्थ। इसका आंसर है सेवंथ। कहां पर? हाँ हाँ हो गया था, बोले तो एट नंबर, एट अब होगा ही नहीं, अब वो कल से ही लगता था, अब खत्म हो गया वो। नहीं ना होगा, एट नंबर तक तो नहीं आएगा ना, समझ रहे हो, ज्यादा टाइम है नहीं है। हाँ जर्मन गियर, ऑस्ट्रेलियन एल आई ए एन, ऑस्ट्रेलियन राइटर, ये लिखवाए थे कि जर्मन गिर जो थे वो ऑस्ट्रेलियन राइटर थे, ठीक है ना, बहुत ही फेमस राइटर थे ऑस्ट्रेलिया के, ठीक है।
नाइन्थ नंबर लिखिएगा, जनरली अ, जनरली अ प्रेग्नेंट वुमन इज, प्रेग्नेंट वुमन इज सैड टू हर, सैड टू हर डाइस होम फॉर चाइल्ड बर्थ। पेरेंट्स, पेरेंट्स टेंथ नंबर लिखिएगा, इन द डायस, इन द डायस द हस्बैंड वाइफ डाई, डाई एंजॉय, एंजॉय मोर फ्रीडम, मोर फ्रीडम एंड इंडिविजुअलिटी, इंडिविजुअलिटी रिलेटिव, रिलेटिव। देखिए आज टोटल इसमें 20 है, ठीक है, 20 ऑब्जेक्टिव है इसमें टोटल 20, 20 में से 10 लिखवा दिए, बाकी जो 10 होगा वो अगले दिन लिखाएंगे, ठीक है, कल लिखवाएंगे। इसको उतारिए फटाफट आप लोग।